साथियों नमस्कार, आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3D ग्लास चार्ट कैसे तैयार करें। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस समय मैं ऑफिस के 2010 के वर्जन में काम कर रहा हूँ, 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये 7 में भी हो जाएगा और 13 या नए वर्जन में भी हो जाएगा, बस उसके जो ऑप्शंस होंगे वो थोड़ा डिस्प्ले करने के तरीके अलग होंगे, बाकी बहुत इजी वे में तैयार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक फील्ड तैयार करी, आप मान लीजिए इंटरनेट यूजर हैं, इंटरनेट यूजर। अब उसके बाद यहाँ पे आपने बनाया कि जैसे हम मंथ का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मंथ, और फिर उसके बाद हमने बना दिया यूजेस। यूजेस के बाद यहां पे हमने बना दिया कि प्लस 5%, तो हमने ऐसे लिख दिया यहां पे प्लस 5%, 5% उसमें ऐड करना है। और यहां पे फिर हमने बना दिया, अच्छा यहां पे हम प्लस वैल्यू कर देते हैं, प्लस वैल्यू, और यहां पे हम कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। तो ये हमने बना लिया। अब हम इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर ले, इसकी पूरी सेटिंग कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं, और फिर उसके बाद साइज वगैरह सब अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेंगे। या आप इसको नहीं भी बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बाद में छिपाना चाहते हैं तो छिपा भी सकते हैं, वो मैं आपको भी लास्ट में दिखा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा हमने बना लिया। अब फिर हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली, आप जैसा भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को पूरा कर लिया है। फॉर्मेटिंग पूरा करने के बाद फिर अगला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितने में हमें डेटा इंटर करना है उतने एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हम इतने एरिया में, चलिए यहाँ पे ज्यादा एंट्री नहीं करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब मान लीजिए कि हमने, चलिए जनवरी का बना दिया, तो ये जनवरी टू मई डेटा यूजर्स। अब मान लीजिए कि आपने किया 70% डेटा यूज, फरवरी में किया आपने 80% डेटा यूज, और मार्च में किया आपने 20% डेटा यूज, और अप्रैल में आपने किया 90% डेटा यूज, और मई में परसेंट नहीं लगाया यहाँ पे, 90% लगाते चलिए 90%, और मई में मान लीजिए आपने किया 25% डेटा यूज। अब इसमें मैक्स जो प्लस वैल्यू है, कभी कभी क्या होता है कि कोई और भी कनेक्ट कर लेता है, एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा उसमें यूज हो जाता है, तो प्लस 5% करेंगे तो इक्वल फिर ये सेल लें और प्लस 5%, या जितने भी आप परसेंट यूज करना चाहो आप कर सकते हो प्लस 5%। अब इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे और ये जो हमारी एंट्री है जिसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा लग गए, इसको हटा देंगे हम यहाँ से। देख लीजिएगा होम टैब में नंबर एरिया पे, इसको डिक्रीज डिसिमल बोलते हैं। और फिर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 110%, 110% आप मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, फिर आप इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये हो गई आपकी एंट्री, और एंट्री को आपने सेलेक्ट कर लिया, पूरा सेट कर लिया। तो अब हम इस पे चार्ट कैसे तैयार करें, तो सबसे पहले तो हमने मंथ एरिया को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया और मैक्स प्लस वैल्यू को सिलेक्ट किया, और कंट्रोल प्रेस करके ही मैक्सिमम वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारी सिलेक्शन करने के बाद, पूरा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब में, कॉलम पे। कॉलम पे 2D कॉलम आपको मिलेगा, 2D क्लस्टर्ड कॉलम, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे देखें तो आपके सामने इस तरह से पूरा चार्ट बन गया है। अब आप एक बार बाहर क्लिक करें, बाहर क्लिक करने के बाद आप ये जो एरिया जहां पे आपके परसेंटेज लिखे हैं 120%, आपको क्या करना है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, यहां पे आपको मिल जाएगा फॉर्मेट एक्सिस, तो यहां पे आप क्लिक करें तो यहां पे एक्सिस ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे मैक्सिमम करके ऑप्शन है, यहां पे फिक्स को चुनिए, फिक्स को 0 पे ही रहने दें, फिर उसके बाद मैक्सिमम जो लिखा हुआ है मैक्सिमम पे आ जाए, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो है 101, तो चूंकि 110, और यहाँ पे जो वैल्यू शो कर रही है वो कर रही है 120, तो आप इस वैल्यू को 101 करें। तो कैसे, इसमें डॉट परसेंटेज जब लग जाता है तो 1.1 हो जाता है, ये नॉर्मल में,
ये नियम याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज लग जाएगा तो उसकी वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 101 की जगह पे 1.1 कर दिया, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू तो हमने सेट कर ली, अब इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर हम आएंगे ये जो सीरीज 1, 2 है इसको भी हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, अब उसके बाद ये जो एरिया है इस एरिया को भी आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए जो लाइंस बनी है, किसी भी लाइन पे क्लिक करके आप डिलीट करेंगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरह से शो करेगा। तो ये चार्ट आपका बनके तैयार हो गया। अब चार्ट में थोड़ी सी हमें फॉर्मेटिंग करनी है, क्या करना होगा। अच्छा, एक काम यहाँ पे और कर लें कि अभी ये जो लाइंस दिख रही है, लाइंस अगर छिप जाती है तो आपका चार्ट ये और अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए व्यू टैब में आके ग्राइड लाइन पे क्लिक करें तो सारे लाइंस हट जाएंगे, जो भी ग्राइड लाइंस हैं। अब फिर उसके बाद ये जो आपकी ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस पे आप सबसे पहले तो आप पहली वाली पे क्लिक करें और डबल क्लिक करें। तो डबल क्लिक करने पे आपके सामने इस तरीके से फिल ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेटिंग डेटा पॉइंट में आप फिल को चुनें, फिल में आप सॉलिड फिल को चुनें, यहाँ पे आप कोई भी एक कलर ले लें। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये कलर ले लिया, डार्क ब्लू कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। फिर दूसरे पे आके हमने डबल क्लिक किया, फिल में फिल ऑप्शन में आए, सॉलिड फिल में आए और यहां पे हमने चलिए कर दिया हमने ऑरेंज। फिर उसके बाद इस पे डबल क्लिक किया, फिर आ गए फिल पे, सॉलिड फिल में, और यहां से हमने इस पे कर दिया मान लीजिए चलिए कोई भी एक कलर जो आपकी मर्जी हो वो कलर आप ले सकते हैं। तो हमने ये कलर ले लिया। फिर उसके बाद इस पे डबल क्लिक करते हैं, फिल पे आते हैं, सॉलिड फिल में, यहां से आप कलर अपनी मर्जी का चुनेंगे, सारा कलर आपकी मर्जी का होगा। फिर डबल क्लिक करेंगे, फिल पे आएंगे, सॉलिड फिल पे, यहां पे इसके लिए भी हम कोई दूसरा कलर चुन लेते हैं। तो इस तरह से हमने सबको अलग अलग कलर दे दिया। अब अगला काम में क्या करना है, इंसर्ट में आना है, शेप्स पे आना है, यहां हमें रिक्टेंगल शेप ले लेना है और एक शेप हम यहाँ पे कोई भी तैयार कर लेते हैं। शेप तैयार करने के बाद अब चाहे आप इस पे राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट में चले आए फॉर्मेट शेप पे, या आप फॉर्मेट टैब में आके फॉर्मेट शेप फिल में आके ग्रेडियंट फिल पे आप आके क्लिक करें और यहाँ मोर ग्रेडियंट करें। तो आपकी मर्जी, आप चाहे जहां जाएंगे आप फॉर्मेट शेप पर ही आएंगे। तो आपके लिए आसान राइट क्लिक हो जाएगा, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट शेप पे आते हैं, तो ये आपके सामने फॉर्मेट शेप का विंडो खुल गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके कलर को हमें क्या करना है, ग्रेडियंट फिल है अभी, सॉलिड फिल है, तो इस सॉलिड फिल में जाके सबसे पहले आउटलाइन को नो आउटलाइन करते हैं और फिल में आके इसको सॉलिड फिल से हटा के ग्रेडियंट फिल करते हैं। जब हम ग्रेडियंट फिल करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने इसमें कुछ शेप्स पहले से दे रखे हैं तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एंगल को आप 0 डिग्री करें, अगर आपका कोई और है तो भी आप इसी तरीके से करते जाएं। दूसरा, इस पे आप 6 नोड्स तैयार करें। ये कैसे तैयार होते हैं, किसी भी एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो एक नोड तैयार हो जाएगा, और डिलीट करना है तो आप डिलीट की को प्रेस कर लें। तो पहले की जो पोजिशन है उसको 0% करें, दूसरे की पोजिशन को आप 20% करें, तीसरे की पोजीशन को 70%, चौथे की 80, पांचवे की 90 और छठे की कर लें आप 100%। इस पोजीशन को जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से दें जैसा मैंने यहां दिया है, आप पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, यहां पे मैंने सारी पोजीशंस को डिलीट कर दिया तो ये स्टार्ट और एंड हो गया, ये देखिए। अब फिर से नई पोजीशन से यहां पे क्रिएट करते हैं, तो पहले को हमने कर दिया 0% और दूसरे को हमने कर लिया 20%, तीसरी बनाते हम इसको कर लेते हैं 60%, चौथी बनाते हैं इसको कर लेते हैं 75, पांचवी बनाते हैं उसको कर लेते हैं 80 या 75 के बाद 90 कर लेते हैं, और छठी बनाते हैं इसको कर लेते हैं 100%। अब इसमें कलर फिल करने की बात आई, तो सबसे पहले तो ये जो आपका एरिया पहला जो आपने बनाया इस पे आप जाके इसको आप ब्लैक करें, दूसरे को आप कर दें व्हाइट फिल में, दूसरे को कर दिया व्हाइट,
तीसरे को फिर से आप करें ब्लैक, चौथे को फिर से आप करें ब्लैक, पांचवे को आपको करना है व्हाइट और छठे को करना है ब्लैक। इस तरह से हमने तैयार कर लिया, तो अब ये बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कैसे, कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और नीचे माउस क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग किया तो इसकी एक कॉपी बन गई। अब हमें ऊपर वाले पे क्लिक करना है और फिर से इसकी एक कॉपी तैयार करनी है और इसको इसके साथ जोड़ देना है। ये देखिए हमने इसको जोड़ दिया और नीचे तक घसीट के लाके इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये एक बन गया। अब बीच वाले पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर हमें आना है फॉर्मेट टैब में, शेप फिल पर, यहां पे ग्रेडियंट पे आके चाहे आप मोर ग्रेडियंट कर लें या राइट क्लिक करके बीच वाले पे सेव फॉर्मेट फॉर्मेट सेव कर लें। तो अब आपके सामने फिर से वही विंडो खुल गया। यहां पे हमें क्या करना है, पहले वाले पे क्लिक करना है और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम कर देते हैं 50%, दूसरे की ट्रांसपेरेंसी को हम कर देते हैं 100%, इसको भी अपने अकॉर्डिंग मान लो 50% कर दिया हमने और इसको हम कर देते हैं 100% और इसको हम कर देते हैं 20% और इसको भी हम कर देते हैं 50%। अब हम जब क्लोज करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा। हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आना है, ग्रुप पे आना है, एक ग्रुप हो गया। अब इसको हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के लिए तरीका है होम टैब में जाके कॉपी या कंट्रोल के साथ सी। अब फिर उसके बाद आप देखें ये जो पॉइंट है, जो आपका रेड वाला पॉइंट है जो एक ही कलर में दिख रहा है आपका पर्पल का, तो इसमें आके आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शो करने लगता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेटिंग और करनी है, छोटी छोटी फॉर्मेटिंग जिनको हम करके बहुत इसको आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो भी आपने बनाया इस पे आप राइट क्लिक करें, डेटा फॉर्मेट सीरीज पर चले आएं और ये जो आपको दिख रहा है सबसे पहला सीरीज ओवरलैप, सीरीज ओवरलैप तो आप कर दें 100% और सॉरी इसको कर दें आप 100% और फिर इसको आप कर दें 150%। अब हम क्लोज कर देते हैं, तो अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद अब देखिए अब हमारा डेटा यहाँ पे किस तरह से शो हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे डेटा यूजर्स को आपने कम किया, मान लीजिए आपने कर दिया 60%, ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री कम हो जाएगी। यहाँ पे आपने कर दिया मान लीजिए 30%, एंट्री ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यहाँ पे आपने कर दिया 80%, एंट्री ऑटोमेटिक, और यहाँ पे आपने कर दिया 50%, तो एंट्री बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना ग्लास चार्ट तैयार कर सकते हैं। और इस ग्लास चार्ट में अभी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे ऐड लेबल कर देंगे तो जो आपका कॉन्टेंट है वो आपके इस लेबल के ठीक ऊपर दिखने लगेगा और इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन पे जाके अलग अलग आप आउटलाइन ले सकते हैं, आउटलाइन के कलर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जैसा आप चाहेंगे। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट पे आ जाए, फॉर्मेट एक्सेस, यहां से आप सारी की सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कलर लाइन, तो यहाँ पे क्या कलर लाइन हो वो आप यहाँ पे सेट कर लें, ब्लैक चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी 0 चाहते हैं, और स्टाइल क्या हो, लाइन स्टाइल, वो भी आप यहाँ से सेट कर लें, सारी चीजें सेट कर लें। टेक्स्ट के फॉन्ट को आप मोटा पतला जो भी करना चाहते हैं, फॉन्ट वगैरह सेट करना वो आप सेट कर लें। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सेट कर दी। तो उम्मीद है आपको ये ग्लास चार्ट बनाना समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।